सब इसका मगजमारी कौन करेगा, क्यों किसी से जाके झगड़ा करना है, किसको बताएंगे? फिर आपको अपनी बात तब तक रखनी है जब तक आपकी बात सब सच ना मान ले। ओके ओके, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि किसी ने आपको बैड टच किया? मैं अभी आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, हम लोगों के पास स्कूल में प्राइवेट बॉडी पार्ट पड़े अपने, आईज, नोज, हैंड्स, लेग्स है ना, वैसे ही हमारे प्राइवेट पार्ट से कितने, यहाँ देखो कितने प्राइवेट पार्ट से, कितने प्राइवेट पार्ट से, मेरे साथ बोलेंगे बोलेंगे मुंह, छाती, टांगों के बीच और कमर के नीचे, कितने प्राइवेट पार्ट से बोलो मेरे साथ, मुंह, छाती, कमर के बीच, पैरों के बीच और कमर के नीचे। ओके, ये क्या है आपके, आपको याद है मैंने टॉय के बारे में बताया, टॉय हम किसी को देते हैं, तो आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो आपके हैं, आपको किसी को भी उस प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाने नहीं देने हैं और दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को भी हाथ नहीं लगाना है। ओके, जोर से ओके। अगर आपको कोई कपड़ों टच करे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जोर से आपको नो बोलना है। क्या बोलना है, उसके बाद अपने सेफ सर्कल में जो लोग आते हैं उनको बताएंगे, पहले मम्मी को, पापा को, फ्रेंड अच्छा करना हम बड़ों की जिम्मेदारी है, क्या है? तो हमें हमारी जिम्मेदारी भूलने आप देंगे? तो आपको अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ गलत होता है तो बिना डरे अपने सेफ सर्कल वाले लोगों को बताना है। ओके, अगर आपकी कोई बात नहीं सुनेगा तो आपको क्या करना है बताओ, तब तक बोलते हैं नहीं जब तक कोई आपकी बात मान ना ले। ओके, चिल्ड चाइल्ड लाइन दिया है जिसका नंबर है 1 0 9 8, यानी कि 10 9 8, क्या है फिर से बोलो, क्या है, क्या है ये? हमने जो हमारी खुशबू गोयल मैडम जो है करते हुए चैरिटेबल ट्रस्ट की जो सर्वे सर्वा है उनको उनके माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया कि बच्चों को पता चले कि गुड टच बैड टच है, जिस हिसाब से समाज में जो कुछ विकृतियाँ है उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए और बच्चों को उनके कायदे जो उनके फेवर में है वो बताने के लिए हम खुशबू गोयल जी का बहुत बहुत आभार मानते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा रूपरेखा लिया और मार्गदर्शन किया। हमें समय की थोड़ी कमी थी और बारिश के कारण, आप तो आपको पता है बारिश की वजह से आज की स्थिति क्या थी, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया और मैं सभी बच्चों के जो पालकगण हैं उनका भी जाहिर अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे समाज उपयोगी काम में उन्होंने अपने बच्चों के और बच्चों के साथ वो खुद भी वो आए थे इस प्रोग्राम। और रही बात हमारी संस्था की, तो हमारी संस्था एक रजिस्टर्ड एनजीओ है और हम लोग ऑल ओवर महाराष्ट्र ट्राइबल और अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी मुंबई के स्लम्स में काम करने का निश्चय किया है। हम लोगों ने ऑल ओवर, अभी कांदिवली की ही मैं सिर्फ बात करूं तो हम लोगों ने लगभग सिर्फ इस महीने में हमने कांदिवली से 4,000 बच्चों को बेनिफिट किया है और हमारा टारगेट होता है कि हर साल में हम लगभग 15,000 बच्चों को बेनिफिट करें। ऐसे ही कार्यक्रम के माध्यम से हम स्कूल्स, एनजीओज और जैसे छोटे छोटे प्रतिष्ठान हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे किरण सर हैं, उनकी टीम है, उन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया। हम लोगों ने इसके पहले भी प्रतीक के साथ काफ़ी सारे कार्यक्रम किए हैं, तो हम लोगों प्रतीक के माध्यम से हम लोग किरण सर से मिले और जो काम हम लोग करते हैं, हमारा मोटिव ये है, हम लोग तीन चीज़ों पे काम करते हैं।
पहला है मोटिवेशन, दूसरा है इंस्पिरेशन और तीसरा है सपोर्ट। यानी कि हम चाहते हैं बच्चों को हम मोटिवेट करें, इंस्पायर करें और सपोर्ट हम करते हैं। महाराष्ट्र के छोटे छोटे ज़िलों में जाकर हमने काम किया है और मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि हमने अभी तक 1,20,000 बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बेनिफिट किया है। ये मेरी टीम है, दीपाली हैं, अनिकेत हैं, जगदीश जी हैं और मेरे सारे वॉलंटियर्स हैं, समीक्षा, उमेश, कौशिक। निश्चित ही इस प्रकार का कार्यक्रम हर वार्ड में होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता उत्तर मुंबई जिला का सचिव होने के नाते यह जरूर बताऊंगा, क्योंकि हमारे विधायक और खासदार से लेकर आमदार तक सभी कहते हैं खेलो इंडिया खेलो, खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, इस प्रकार का नारा हम सबके लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और उसी संदर्भ में आज किरण सालुंके जी ने यहाँ पर कार्यक्रम किया, चाहे वो बच्चे का छोटा कार्यक्रम हो, चित्रकला स्पर्धा हो, उनको प्राइज़ देने का काम, यह एक कहते हैं कि अतुल्य और सराहनीय कार्य यहाँ पे हुआ कर्तव्य चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से और शिव प्रताप प्रतिष्ठान के माध्यम से। मैं इन सब का सहर्ष हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले तो कर्तव्य चैरिटेबल ट्रस्ट के जो खुशबू मैडम है उनका तारीफ करूँगा, उनको खूब बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और किरण सालुंके जी जिन्होंने ये उपक्रम वार्ड नंबर 29 में लिया। मैं वार्ड नंबर 29 का वार्ड अध्यक्ष के नाते उनका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम लिया और सुबह बहुत तेज़ बारिश होने के बावजूद यहाँ से ऑटो रिक्शे का बंदोबस्त करके सभी बच्चों को यहाँ तक ले आया गया और उनको इस तरह के एक तो नोटबुक, पेंसिल, चित्रकला स्पर्धा ली गई और फिर जनरल नॉलेज स्पर्धा भी ली गई और इन सभी बच्चों को गुड टच बेड टच सबसे बड़ा ज्ञान दिया गया जो शायद कोई स्कूल में देते भी होंगे पता नहीं मुझे, मगर आज पता चला कि इतना अच्छा ज्ञान दिया तो मैडम ने, इसके लिए मैं सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम सब बाजू होने चाहिए और सबसे पहले मेरे सामने वार्ड 30 में हुआ, इसके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ फिर से एक बार किरण साहब।